तो सब्सक्राइब कीजिए ग्लैम विद मी को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए एंड ये बिल्कुल फ्री है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो इतना ज़्यादा गर्मी है ना, मैं सुबह उठ के, हम लोग मॉर्निंग वॉक पे नहीं गए थे क्योंकि 7 बजे हम लोग, 7 नहीं 7:15 बजे उठे और देखे कि इतना ज़्यादा धूप बढ़ चुकी है और हम लोग ने सोचा कि नहीं नहीं जा सकते। उसके बाद मैंने नहा लिया है लिटरली और अभी मैं जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाऊँगी और उसके बाद फिर से नहा के मैं खाना बनाने जाऊँगी क्योंकि ऑलरेडी मैं पसीना पसीना हो रही हूँ। और देखो मेरे पिम्पल्स जो है वो बहुत मतलब जल्दी से कम हो रहा है और क्या है कि लाइट्स का कुछ प्रॉब्लम है आई थिंक हमारे घर पे। रात को बहुत ज़्यादा मेरे मुंह पे पिंपल्स दिखते हैं, मतलब कैमरा में दिखते हैं, मुझे नहीं दिखते हैं। और सुबह को बहुत कम लगता है, इतना भी कम नहीं है और थोड़ा सा ज़्यादा है, पर रात को पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा ब्लैक पैचेस लगते हैं। सो कम टू द टॉपिक, और आज मैं थोड़ा सा लेज़ी, थोड़ा सा मतलब क्या है कि होता है ना कभी कभी सिक फील होता है गर्मी में, स्पेशली इतना ज़्यादा गर्मी जब बढ़ चुकी होती है तो दिन भर लेट रहो ऐसा मन होता है। तो आज कुछ वैसे ही दिन है तो कुछ मेरा ऑल प्लान था खाना बनाने का, पर मैंने सडनली डिसाइड किया कि आज मैं पूरा एकदम हल्का पतला वाला खाना जो है वो बनाऊँगी। सो मैंने सोचा कि आपके साथ वो शेयर कर दूँ ताकि आपको भी हो सके कि थोड़ा सा हेल्प हो जाए। सो पहले चलिए ब्रेकफास्ट बनाती हूँ और ये वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। तो ये वॉश्ड चीरा है यानी पफ्ड राइस, इसको मतलब पोहा, इसको मैंने अच्छे से धो लिया है। तो इसके अंदर मैं थोड़ा सा मैं ब्लैक सॉल्ट डाल रही हूँ और डाल रही हूँ थोड़ा सा चीनी, थोड़ा सा नहीं थोड़ा सा ज़्यादा करके चीनी डाल रही हूँ क्योंकि हम लोगों को मीठा पसंद है। और थोड़ा सा मैं लेमन स्क्वीज़ करके डाल दूँगी, ये अकॉर्डिंग टू आपके टेस्ट है, आपको कितना ज़्यादा स्वीट पसंद है, कितना ज़्यादा खट्टा, कितना ज़्यादा नमकीन पसंद है, उसके हिसाब से दीजिए। और ये मेरे हस्बैंड का जो है, इसके अंदर मैं थोड़ा सा ठंडा पानी दे रही हूँ क्योंकि उसको जो है वो दही पसंद नहीं आता है, और इसको मिला दूँगी। और मेरे वाले बोल में मैं डाल दूँगी दही क्योंकि मुझे दही के साथ ये पसंद है। आप दोनों रेसिपी को ही ट्राई कर सकते हैं, जो आपको अच्छे लगे आप वही बनाना, और ठंडा पानी से बनाना ताकि समर में आपको थोड़ा सा अच्छा लगे ये खाने में। हाय गाइस, तो मैंने नहा लिया है, पूजा कंप्लीट कर लिया है और सॉरी कि मेरा जो कैमरा है वो उसका बैटरी जो है वो डेड हो गया था। क्या होता है कि यूट्यूबर का ना हर एक टाइम पे काम रहता है, मतलब अगर आप कोई भी मिस कर जाते हैं तो उसके लिए आपको एक बुक करना पड़ता है। जैसे मैंने कल मेरे कैमरा की जो बैटरी है उसको चार्ज में नहीं लगाया था, मैं भूल गई थी, इंसान हूँ भूल सकती हूँ कभी भी। तो मैंने जब ये स्टार्ट किया तो देखा कि कैमरा का जो बैटरी है वो डेड हो चुका है, तो मैंने थोड़ा सा जो काम है वो कर लिया है और आई गेस वो दिखाने लायक उतना ज़्यादा नहीं था। दिखाती हूँ मैंने थोड़ा सा क्या कर लिया है। और तो चलिए मैं लग जाती हूँ काम पे, नहाने के बाद मैं मुझे बहुत सारा काम रहता है और मेरे हस्बैंड जो है वो आने ही वाला है। सो मैंने 2 मीडियम साइज़ की आलू को बॉयल कर लिया है यहाँ पे और बहुत अच्छे से बॉयल किया है, और राइस बना लिया है मैंने जैसे बनाती हूँ राइस वैसे। और राइस में मैं 1 ग्लास ठंडा पानी डाल रही हूँ। यस, इसी तरह से लंच जो है वो बनेगा। और इधर पे मैंने एक बन को टोस्ट करके रख दिया है, थोड़ा सा ये जल गया है और जल्दी जल्दी मैं कर रही थी मैं तो मतलब इसको मैं मेरे हस्बैंड के शाम के जो टिफ़िन है उसमें देने वाली हूँ। तो इसको टोस्ट कर लिया है, राइस में पानी डाल दिया है और पानी डालने के बाद राइस को मैं डायरेक्ट फ्रिज में रख दूँगी ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो सके, और तब तक मैं ये बनाऊँगी। और लंच में मैं आज बनाऊंगी स्पेशली बंगालीज के घर में, ये समर में एक दिन तो बनता ही है, हम लोग तो महीने में ये हफ्ते में भी एक बार खा लेते हैं समर में। और समर में क्या होता है, अब जितना ज़्यादा वाटर कंटेंट वाला खाना खाते हैं जिसमें मतलब पतला सा ग्रेवी हो या पानी पानी जो खाना होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि गला सूखने लगता है, मतलब पसीना आता है, तो उससे क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो खाने के अंदर अगर ज़्यादा पानी पानी होता है तो अच्छा लगता है वो चीज़ खाना। तो ये बंगालीज में बोलते हैं जौल हरा भात एंड आलू शिप्तो या आलू का चोखा, और दो अलग चीज़ होता है आलू शिप्तो एंड आलू का चोखा।
आलू सिद्धो यानी बॉयल्ड पोटैटो, उसको मैं थोड़ा सा कैसे करती हूँ वो दिखाती हूँ मैं। और उसके साथ मैं बनाऊंगी ऑमलेट, प्याज एंड हरी मिर्च डाल के थोड़ा सा तीखा तीखा करके बनाती हूँ मैं वो। और यस, मेरे हस्बैंड आने वाले हैं ऑफिस से, तो वो आने के बाद उसको हमेशा मैं ड्रिंक देती हूँ, लाइक लस्सी हो, फ्रूट जूस हो या कोई शरबत हो, क्योंकि धूप में सेक के आता है वो। और मतलब आने के बाद वो नहाने जाता है, फिर खाना खाता है और फिर ऑफिस के लिए निकल जाता है और आता है बहुत ही कम टाइम के लिए। उसके अंदर नहाना खाना सब कुछ उसको करना पड़ता है। सो उसके लिए आज मैं सोच रही हूँ कि मैंगो लस्सी काइंड ऑफ बना दूँ। सो चलिए पहले वो बनाती हूँ और उसके बाद जो है मैं मेरे ऑमलेट एंड आलू को बनाऊँगी। सो मैंगो लस्सी बनाने के लिए मैं ले रही हूँ 2 आम, जिसको मैंने छील के थोड़ा सा काट लिया है। डालूंगी मैं थोड़ा सा इसमें करीब 200 ग्राम के करीब दही डालना है। ये अकॉर्डिंग टू आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कितना बनाओगे। और इसमें मैं थोड़ा सा ठंडा पानी भी ऐड कर लूंगी। आप इसमें पानी ऐड भी मत कीजिए तो भी अच्छा लगता है, या बल्कि मतलब अगर आप इसमें पानी नहीं ऐड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। पर मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी में होता है तो उसको थोड़ा सा लिक्विड सा जूस देना पड़ता है, नहीं तो वो नखरा करेगा कि नहीं मुझे नहीं खाना है, टाइम लगेगा। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा ठंडा पानी डाल दिया। आप इसके अंदर बर्फ क्यूब भी डाल सकते हैं ये होने के बाद। और मैं इसके अंदर डालूँगी 4 बड़े चम्मच चीनी, और इन सारे चीज़ों को मैं ब्लेंड करूँगी। ऊपर से थोड़ा सा मैं काजू किशमिश डाल दूंगी, अच्छा लगता है खाने में। और बस ये हो गया है। सो पहले मैं मेरा हस्बैंड का जो टिफिन है वो बना देती हूँ। वो मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ, बन लेती हूँ और उसके अंदर थोड़ा सा मैं डाल देती हूँ। ये जो है ये फन फूड का मेयोनीज है, जो वेज मेयोनीज है, और ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। और ये 35 रुपीज़ के आते हैं और इससे आप 6, 7 या 8 के करीब जो है सैंडविचेस या बन इस तरह से बना सकते हैं। तो इस तरह से मैं डालूँगी, बहुत ज़्यादा मैं नहीं डालती हूँ, थोड़ा सा ही डालती हूँ, क्योंकि जो भी हो ये सारी चीज़ें इतना अच्छा तो है नहीं ना खाने के लिए। और थोड़ा सा मैं चाकू से इसको स्प्रेड कर दूंगी। अंदर मैं भी डालूंगी थोड़ा सा क्यूकम्बर। इसके अंदर ना रहता है ऑलरेडी नमक, और थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर। थोड़ा सा टमाटो सॉस, एक प्याज डाल दूंगी बड़ा सा स्लाइस का, और इसके बाद ऊपर से ये डाल दूंगी। और ये रेडी हो गया है। और इसको बीच में से मैं कट करूंगी। बीच में इसे कट करने से खाने में जो है वो इजी होता है, खाना बहुत ही यम्मी लग रहा है ना। तो ये जाएगा उसका टिफिन। पैन को थोड़ा सा गर्म करके इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके अंदर मैं डालूंगी 1 रेड होल चिली, और इसको मुझे फ्राई करना है।
तो ये रेड चिली जो है ये पूरा सा मतलब दोनों तरफ से सिक चुका है, तो इसको मैं उठा लूंगी। उठा के मैंने इसको आलू के अंदर डाल दिया है और इसमें थोड़ा सा सरसों का तेल डालूंगी और उसको फिर से मैं बनाऊंगी। पहले मैं ऑमलेट बना लेती हूँ इस ऑयल में। इसमें ऑलरेडी नमक डाल के ही बॉईल किया था, तो इसमें अलग से मुझे नमक नहीं डालना है। और इसके अंदर मैं थोड़ा सा सरसों का तेल डाल दूंगी, थोड़ा सा प्याज डालना है मुझे। और ये जो मिर्च है इसको तोड़ के देना है पहले। इसका क्रिस्पीनेस देखिए, आवाज आ रही है ना। कैसा हुआ है? बहुत अच्छा हुआ है। तो इस तरह से ये खाया जाता है। ये जो राइस है ये फ्रिज में था, थोड़ा सा और ठंडा हो चुका है, तो राइस को पहले प्लेट में डालना है। और ये जो ठंडा पानी है इसका, ये बहुत अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा पानी डाल दीजिए बस। और इसके साथ ये लेमन जरूर खाना है। इस लेमन को स्क्वीज करके राइस के ऊपर डालना है और थोड़ा सा नमक डालना है। उसके बाद प्याज एंड हरी मिर्च को लेना है और आलू चोखा लेना है या आलू भाते जो आप बोलेंगे वो लेना है। और लेना है ऑमलेट एंड yeah, इट्स रेडी। सो खाना पीना सब कुछ हो गया है और मेरे हस्बैंड जो है वो निकल गया है ऑफिस के लिए। और ये जो हमने खाया था उसमें मैंने कच्चा जो प्याज या अनियन होता है वो हम खाते हैं, क्योंकि आपको अगर पता नहीं है तो मैं बोल देती हूँ, अनियन जो रॉ अगर आप ले रहे हैं दोपहर के टाइम पे तो बहुत ज़्यादा ठंडक देती है, और गर्मियों में समर सीजन में लेना चाहिए आई थिंक, उससे अच्छा होता है, थोड़ा सा कूलिंग वाला फीलिंग आता है। नहीं तो इतना ज़्यादा गर्मी इंडिया में बढ़ चुका है कि क्या बताओ, सारे के सारे जगह पे गर्मी बढ़ चुका है। सो अभी अभी एक कुरियर आया है, तो ये नायका का कुरियर है और काफ़ी सारे लोग नायका से लेते हैं। और मैं बहुत दिनों से लाइक एक साल हो गया है मैं नायका से बहुत जो मेरा प्रोडक्ट्स लगते हैं जो जो नायका में अवेलेबल होता है मैं उससे लेती हूँ, क्योंकि नायका मुझे इतना ज़्यादा पसंद है क्योंकि उसका जो डिलीवरी सिस्टम है बहुत अच्छा है। मतलब आपने ऑर्डर किया है तो एटलीस्ट 2 या 3 दिन के अंदर वो मिल जाता है। ये डिपेंड भी करता है कि आप किधर रह रहे हैं, तो मुझे तो ऑलमोस्ट 2-3 दिन में मिल जाता है नायका का, जैसे मैंने कल किया था और आज मुझे मिल गया। और एक चीज़ बहुत अच्छा है नायका का और वो है कि इसका जो पैकेजिंग होता है हर एक प्रोडक्ट का बहुत अच्छे से ये लोग पैकेजिंग में भेजते हैं। जैसे ये देखो एक बॉक्स आया है और इस बॉक्स में आप देखो कितने अच्छे से जो ये होता है ना, तोड़ने में बहुत अच्छा लगता है, क्या बोलते हैं आई डोंट नो, जो तोड़ते हैं सब लोग, मैं भी तोड़ती हूँ, तो बहुत अच्छे से इसको पैक करके भेजते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट जो है वो ख़राब ना निकले। और प्रोडक्ट्स जो सर सारे मिलता है ये जेन्युइन होता है, मैंने जो जो अभी तक यूज़ किया है वो अच्छा वाला प्रोडक्ट ही मुझे मिला है, कोई भी डुप्लीकेट प्रोडक्ट मुझे आज तक नहीं मिला है। और एक चीज़ है नायका के, मतलब अगर आप 500 रुपीज़ के ऊपर परचेस कर रहे हैं तो आपका डिलीवरी चार्ज नहीं लगता है, नहीं तो आपको डिलीवरी चार्ज देना पड़ता है। और 500 में पट पट कोर्स कर रही हूँ ये चीज़, तो 500 रुपीज़ बहुत ही कम होते हैं, मतलब उतने में तो उतना तो लगता ही है, 2 या 3 प्रोडक्ट में ही वो लग जाते हैं।
तो मैं क्या करती हूँ हमेशा नायका के जो जो प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए होता है मैं वो कार्ट में ऐड करती रहती हूँ और एवरी डे को मैं चेक करती हूँ, मतलब नायका में ऑफर्स चलते रहते हैं। आज समझो मेबलिन का ऑफर है तो कल लैक्मी के ऊपर ऑफर है, और कई बार ऐसा ऑफर मिलता है जिसमें लाइक फॉरेस्ट एसेंशियल या खादी या और जो सारे ब्रांड्स होते हैं उसके ऊपर रहते हैं ऑफर। जैसे आप उस ब्रांड के अंदर 2000 या 3000 का शॉपिंग कर रहे हैं तो उसका उस ब्रांड का कुछ चीज़ आपको फ्री में मिलेगा, और 2-3 हज़ार या 5000 ऐसा कुछ क्राइटेरिया वो लोग सिलेक्ट करते हैं। उस क्राइटेरिया के ऊपर अगर आप परचेस कर रहे हैं तो आपको एक ब्यूटी वो जो पैच मतलब बैग होता है छोटा सा नायका पाउच बोलते हैं वो मिल जाता है। तो ये सारे ऑफर जो चलते रहते हैं तो मैं क्या करती हूँ जिस दिन मुझे ऑफर ज़्यादा लगता है उस दिन मैं ऑर्डर कर देती हूँ, अदरवाइज मैं कार्ड में सिलेक्ट करती रहती हूँ जो जो मुझे लगेंगे। सो मैं दिखाती हूँ मैंने इस बार क्या क्या लिया है। सो मैंने एक लिया है पॉन्ड्स बीबी क्रीम, और पॉन्ड्स का बीबी क्रीम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये एक सजेशन है अगर आप कोई प्रोडक्ट पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ उसको एक छोटा सा मतलब सैशे पैक में ही खरीदिए ताकि वो आप देख लिए एक बार कि स्किन के साथ वो अच्छा से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है तो उसको मत खरीदिए। तो इसलिए मैंने छोटा सा एक लिया था पॉन्ड्स बीबी क्रीम का 18 ग्राम्स का या 9 ग्राम्स का, तो वो काफ़ी अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने इस बार बड़ा वाला जो है वो ले लिया है। और ये बीबी क्रीम में SPF 30 PA++ है जो मतलब आपको तो पता है SPF क्या चीज़ है, और इसका प्राइस लगा मुझको 312 रुपीज़। और ये जो बड़ा वाला पैक होता है उसके साथ ऐसा कुछ मिलता है पंप जो अच्छा होता है, और मैंने लिया है ये एक कॉटन पैड होता है ना टोनर यूज़ करने के लिए या मेकअप को रिमूव करने के लिए, तो इसमें 100 है और इसका प्राइस है 109 रुपीज़। सॉरी इसमें 80 पैड्स है और इसका प्राइस है 109 रुपीज़। और ये नॉर्मल में है, कोई फ्लेवर या कुछ इसमें नहीं है। बहुत सारे में होता है एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, कुकम्बर एक्सट्रैक्ट, पर मैं नॉर्मल यूज़ करती हूँ क्योंकि कभी कभी उस चीज़ से मेरे मुँह में पिंपल्स आ जाते हैं, मेरे मुँह जो है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। और ये है लैक्मी आइकॉनिक काजल, तो मुझे बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि आप कौन से वाले काजल लगाती हो, तो मैं ये यूज़ करती हूँ लैक्मी आइकॉनिक, और मतलब चार साल हो गया है मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। और क्योंकि मेरे थोड़ा सा आई में प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पावर है तो ये यूज़ करने से कोई भी प्रॉब्लम मुझे नहीं आता है, तो यही यूज़ कर रही हूँ। पर मैं सोच रही हूँ कोई अलग सा ट्राई करूँ। और मैंने लिया है एक बॉक्स, इसका नाम है ग्लैम बॉक्स, और ये बॉक्स टोटल ही मतलब एक डिस्काउंट में है। इस बॉक्स का प्राइस है नायका के अंदर आपको ये मिल जाएगा, तो इस बॉक्स का प्राइस है 215 रुपीज़। और इस बॉक्स के अंदर है चार प्रोडक्ट्स, ये है वेजलिन हेल्दी वाइट B3, और ये एज अ सनस्क्रीन की तरह आप यूज़ कर सकते हैं हाथों में, और क्योंकि हाथ पैर में भी ये सनस्क्रीन जो है यूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक छोटा सा पैकेट है, और क्या है कि अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो ऐसे छोटे छोटे जो पैकेट होता है वो बहुत ज़्यादा काम आता है। और एक छोटा सा ये है, ये है चारकोल पॉन्स का जो फेस वॉश, ये बहुत अच्छा होता है चारकोल स्किन का जो ऑल पॉल्यूशन जो है वो खींच के निकल देता है, और ये भी ट्रैवल फ्रेंडली है। और मैंने लिया है एक ये है लैक्मी एब्सोल्यूट परफेक्ट फ्रेग्रेंस स्किन लाइटिंग ड्राई क्रीम विद सनस्क्रीन, तो ये सॉरी ड्राई नहीं डे क्रीम होगा, तो आप इसको सुबह के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमेशा डे में जो आप क्रीम यूज़ कर रहे हैं उसका उसके अंदर सनस्क्रीन होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप घर पे भी रह रहे हैं तब भी सनस्क्रीन वाला जो क्रीम है वो यूज़ करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि घर पे भी तो धूप आता है मतलब सन का जो रेज है वो आता है वो स्किन को ख़राब कर सकता है, डैमेज कर सकता है, तो सनस्क्रीन वाला जो है उसको यूज़ करना है। ये मैं पहली बार यूज़ करूँगी, आई डोंट नो कैसा होगा। सो ये बॉक्स के अंदर था तो इसीलिए मैंने ले लिया। और मुझे एक लिप बम चाहिए था एक्चुअल में, तो ये एक लिप लव लिप केयर है लैक्मी का जो 14 आवर्स तक नॉन स्टॉप मॉइस्चराइज करेगा आपके लिप को
और इसके अंदर है SPF 15 और मुझे ऐसा ही एक लिप बाम चाहिए था जिसके अंदर SPF हो, क्योंकि मैं जब बाहर धूप में निकलती हूँ हैदराबाद में बहुत ज़्यादा धूप आता है, तो मैं कुछ मेरे लिप्स के लिए भी कुछ ऐसा ही यूज़ करना चाहती थी जिसपे SPF हो। और जब मैं वीडियो भी करती हूँ ना तब थोड़ा सा लिप बाम मैं लगाने की कोशिश करती हूँ, जैसे आज लगाया था, पर बाकी सारे वीडियो में मैं नहीं लगाया था, भूल जाती हूँ। अगर आप कैमरा के सामने आ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब एटलीस्ट लिप ग्लॉस और काजल तो यूज़ करना बनता ही है, नहीं तो बहुत ही पेल पेल दिखता है फेस। तो आपके सामने ये मैं यूज़ करके दिखा रही हूँ, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन। ओके, अच्छा तो इसके अंदर एक दिख रहा है आपको वाइट वाला होता है मिडिल में, और पूरा जो साइड है वो रेड कलर का होता है। तो मैं लगाती हूँ, इसका खुशबू बहुत अच्छा है, एकदम बबल गम की तरह। कलर भी काफ़ी अच्छा है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, अच्छा लगा मुझको। और रियली ये बहुत ज़्यादा मॉइस्चर दे रहा है, मैं फील कर रही हूँ इस चीज़ को। तो नायका में आप चेक कर सकते हैं, हमेशा ही वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफर्स रहते हैं। वैसे मैं purple.com है उससे भी प्रोडक्ट्स खरीदती हूँ, और एक दिन उसका रिव्यू डाल दूँगी मैं। सो चलिए, मेरे हस्बैंड तो चले गए हैं, बाकी का जो लस्सी है वो मैं पी लेती हूँ, और मेरे मम्मी को थोड़ा सा मुझे कॉल करना है अभी, तो वो भी कर लेती हूँ।